अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं एम एच टी वी फ्रैंकफर्ट। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, एम एच टी वी फ्रैंकफर्ट वो वाइड यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा जो ममालक हैं उनके ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की वीडियो जो है वो देखने को मिली हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो यूके के लोग हैं, चाहे जो है वो दूसरे कुछ कंट्रीज़ के लोग हैं। और साथ साथ ये सिलसिला जो है वो भी चल रहा है, स्पेन के लोगों के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग जो क्योंकि यूके में हमारी कम्युनिटी ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए पाकिस्तान इंडियन लोग वहाँ पे काफ़ी हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का इसरार था कि यूके ड्राइविंग यानी कार ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की वीडियो आपने अपलोड तो की है, लेकिन अब आगे जो ट्रक ड्राइविंग थ्योरी कोर्स है यूके का, उसके बारे में भी वीडियो अपलोड करें। तो मैं क्योंकि मसरूफियत अपनी भी काफ़ी होती है और क्योंकि मेरा चैनल इस तरह का चैनल है, इसके ऊपर मैं जो भी वीडियो मैंने अपलोड करनी होती है थ्योरी की, तो ये फ़ौरन अपलोड नहीं हो पाती क्योंकि मुझे पहले ख़ुद उसका मुतालिया करना होता है और उसके बाद फिर जाके मैं उसकी वीडियो बना पाता हूँ। और फिर उसके बाद अगला प्रोसेस जो भी होता है, रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए मैं इसके ऊपर काम कर रहा था कुछ दिनों से और अभी मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की हुई है और इंशाल्लाह जो है वो आज से जो है मैं यूके ट्रक ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की वीडियोस का सिलसिला जो है वो शुरू करता हूँ आप लोगों के साथ। और इंशाल्लाह जो है वो आज से हम पहली वीडियो जो है उसका आगाज़ करेंगे और पहली वीडियो जो है वो हमारी होगी ट्रैफिक साइन के बारे में। और ये टोटल क्योंकि 82 क्वेश्चंस हैं तो इसलिए मैं दो वीडियो की शक्ल में यानी कि इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। तो अपने देखने और सुनने वाले तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई इस तरह की मुफीद वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी और आपको उसका ताकि नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाया करेगा जो मैं अपलोड करूँगा, तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। तो चले हम वक्त जाए के बिना चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज के पहला जो टॉपिक है उसकी पहली वीडियो जो है उसका आगाज करते हैं। नाज़रीन, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज जो है वो हम जो टॉपिक अपना पहला जो आपके साथ शेयर करेंगे, ये इसकी इंशाल्लाह दो वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा क्योंकि ये 82 क्वेश्चंस हैं। और जो पहला टॉपिक आज हम ट्रक ड्राइविंग थ्योरी कोर्स यूके का जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो है ट्रैफिक साइंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आया जी, उसमें जी हमें वो पूछ रहा है व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन मीन। तो इस ट्रैफिक साइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप स्टॉप नहीं कर सकते, नो स्टॉपिंग एट एनी टाइम, यानी आप यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते। व्हाट आर ट्रैफिक ऑफिसर ऑथराइज्ड टू डू, यानी ट्रैफिक ऑफिसर को क्या अथॉरिटी होती है करने की। तो ट्रैफिक ऑफिसर जो होता है वो आपको स्टॉप कर सकता है एंड डायरेक्ट एनी वन ऑन मोटरवे, यानी कि वो आपको कोई भी डायरेक्शन दे सकता है, कुछ भी करने के लिए कह सकता है, रोक सकता है। आप एक लॉरी को ड्राइव कर रहे हैं, एक ट्रक को चला रहे हैं विद मैक्सिमम ऑथराइज्ड मैस, यानी उसके ऊपर 38 टन वजन है ऑन ए सिंगल कैरिज वे, यानी एक सिंगल कैरिज वे रोड है, मोटरवे नहीं है इन इंग्लैंड। व्हाट इज द स्पीड लिमिट फॉर योर व्हीकल आफ्टर पासिंग दिस साइन, यानी सिंगल रोड पे आप जा रहे हैं ट्रक के साथ और 38 टन वजन है और ये वाला साइन आपके सामने आया, तो मैक्सिमम कितनी स्पीड में आप ट्रक चला सकते हैं। तो आप 50 मील पर आवर पे चला सकते हैं। Which hazard should be shown in triangle road sign? है तो इस तरह के जो ट्राइंगल होते हैं इनके अंदर जो होता है वो हमेशा आपको खतरे का निशान जाहिर होता है। ये नहीं होता कि वन वे स्ट्रीट है या मैक्सिमम स्पीड या मिनिमम का होता है, बल्कि रोड नैरो जो है ये भी एक खतरे की बात है। इस तरह के साइन जो होते हैं वो इसके अंदर शो होते हैं इस तरह के ट्राइंगल में। What's prohibited when a red route is in operation? Red route जहां पे operation होता है वहां पे कौन सी चीजों से आपको मना किया जाता है?
ऐसी जगहों पे नाजरीन जो है वो आप स्टॉप या पार्किंग नहीं कर सकते, यानी स्टॉपिंग और पार्किंग आपको मना होती है ऐसी जगहों पे, क्योंकि ये जो एरियाज होते हैं यहाँ पे फिर बार दफा आपके लिए मतलब रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस होती हैं, आपके लिए मसला हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे आप स्टॉप और पार्किंग नहीं कर सकते। आगे आता है जी, आप मोटरवे पे जा रहे हैं यानी ट्रक चला रहे हैं। योर लारी हैज ए मैक्सिमम ऑथराइज मास ऑफ मोर देन 7.5 टन, 7 या 5 टन आपकी ट्रक के ऊपर वजन है। व्हाट डज दिस साइन मीन टू यू? तो गौर से देखें, राइट साइड पे ये जो तीर का निशान है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ट्रक का निशान है और 7 या 5 टन लिखा हुआ है और रेड गोल दायरा है। इसका मतलब है कि पहली लाइन में राइट साइड पे 7 या 5 टन से ज्यादा जिस ट्रक का वजन है वो इधर नहीं आ सकता। तो इसका आता है जी, यू कैन नॉट, यहाँ पे आता है यू मस्ट नॉट यूज द राइट हैंड लाइन, आप राइट हैंड लाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे आता है यू सी दिस ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक लाइट अहेड, विच लाइट आर लाइट्स विल कम ऑन नेक्स्ट, यानी ये वाला साइन आपने देखा है, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे कौन सी लाइट जो है वो ऑन होगी? तो इसका आंसर आता है, जब इस तरह की पीली लाइट अंबर लाइट आपको शो होती है तो नेक्स्ट फिर आगे जो है वो रेड लाइट जो है वो फिर ऑन हो जाती है। आगे आता है यू आर ऑन ए स्मार्ट मोटरवे, आप एक स्मार्ट मोटरवे पे जा रहे हैं। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? व्हेन ए मैंडेटरी स्पीड लिमिट इज डिस्प्ले अबव द हार्ड शोल्डर, यानी अगर हार्ड शोल्डर पे भी 50 की स्पीड जो है वो लिखी हो तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है कि हार्ड शोल्डर जो है वो भी आप एज ए रनिंग लाइन नॉर्मल ऑटोबान मनी मोटरवे के ऊपर इसको एज ए रनिंग लाइन इस्तेमाल कर सकती हैं। आगे आता है जी, व्हाट आर दीज एडवांस स्टॉप लाइन फॉर, ये वाली जो एडवांस लाइन जो स्टॉप लाइन है ये किस लिए है? तो ये होती हैं टू अलाउ साइक्लिस्ट टू पोजीशन इन फ्रंट ऑफ अदर ट्रैफिक, कि यहाँ पे जो है वो अलाउ किया जाता है साइक्लिस्ट को कि वो पोजीशन अपनी आपके सामने, यानी ये गौर से देखे ना, राइट साइड पे ये साइकिल आके जो बना हुआ है, साइकिल वाला इधर आके आपके आगे जो है वो स्टॉप करेगा। विच साइन मीन नो ओवरटेकिंग, तो नो ओवरटेकिंग का साइन हमेशा इस तरह का होता है, पूरी दुनिया में यही इस्तेमाल होता है, यानी इस तरह का साइन ही होता है जहां पे एक रेड कार और एक ब्लैक कार जो है वो होती है। आगे सवाल आता है जी, व्हाट डज दिस आर्म सिग्नल मीन, इस आर्म सिग्नल का ये जो बंदा कर रहा है इसका क्या मतलब है? तो इसका गौर से आप देखें तो ये बंदा लेफ्ट जाना चाहता है और लेफ्ट जाने के लिए आपको इस तरह हाथ को करना होता है, घुमाना होता है, तो इसका आता है जी, द ड्राइवर इंटेंड टू टर्न लेफ्ट, ड्राइवर लेफ्ट टर्न करना चाहता है। यू आर ड्राइविंग ए लारी, आप एक ट्रक चला रहे हैं मोर देन, जिसका वजन 7 या 5 टन है, मोटरवे पे चला रहे हैं। तो व्हाट डज दिस साइन मीन, तो मोटरवे पे अगर आप ट्रक चला रहे हो 7 या 5 टन वजन हो तो इस साइन का मतलब ये होता है कि आप मैक्सिमम 60 तक ट्रक को मोटरवे पे चला सकती हैं। व्हाट डज दिस साइन मीन, तो इस साइन का मतलब ये होता है कंट्रा फ्लो बस लेन, ये जो है ये एक कंट्रा फ्लो बस लेन है, यानी बस का जो है वो लाइन है, रास्ता है। विच ऑफ दिस साइन मीन टर्न लेफ्ट अहेड, लेफ्ट सिर्फ हो तो फिर ये साइन आना था, टर्न लेफ्ट अहेड आगे जाके लेफ्ट टर्न करें तो इसका जवाब ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है जी, व्हेन कैन यू ट्रेवल ऑन द हार्ड शोल्डर ऑफ ए मोटरवे, तो हार्ड शोल्डर पे आप ट्रेवल तभी कर सकती हैं जब आपको साइन जो है वो ऐसा करने का कहे, यानी साइन लगा हुआ है और 50 की स्पीड लिखी हुई है, आप हार्ड शोल्डर को यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आता है व्हेन साइन शो दैट यू कैन, कि आप ऐसा कर सकते हैं। आगे वो कहता है, वेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू सी दिस रोड मार्किंग, इस तरह की रोड मार्किंग कहाँ पे एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, कहाँ पे तवक्को आप कर सकते हैं, हो सकती है?
तो ये वाला साइन जो होता है ये आपको हमेशा जहाँ पे आगे ब्रिज होता है ना उससे पहले आता है। और बाज दफा आपको पता है बाज ब्रिज के ऊपर जो होता है पुलों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि इतने वजन वाला जो भी चीज है वो नहीं आ सकती, तो ये आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप पहले ही यहाँ पे देख लें कि आपका वजन ज्यादा तो नहीं है, यानी पुल के ऊपर आप नहीं जा सकते। अगर आप नहीं जा सकते तो आप यहाँ पे अपना जो रूट है उसको प्लान कर लें, यानी आप किसी और अल्टरनेट रूट में चले जाएं। तो इसका यहाँ पे आता है जी ऑन द अप्रोच टू एन आर्चिड ब्रिज, यानी आगे जब ब्रिज को आता है तो इस तरह का साइन आता है। एट ए जंक्शन यू सी दिस साइन पार्टली कवर्ड बाय स्नो, व्हाट डज इट मीन? अगर आगे चौक में इस तरह का साइन और बर्फ से कवर है तो ये गौर से देखें, इस तरह का साइन स्टॉप साइन होता है, तो ये गिव वे साइन नहीं है, ना ही को टर्न राइट या क्रॉस रोड है ये, बल्कि एक स्टॉप साइन है। आगे आता है जी आप ट्रेवल कर रहे हैं मोटरवे पे, एक रेड क्रॉस जो है वो डिस्प्ले है ऑन द जेंट्री सिग्नल्स अबव द हार्ड शोल्डर एंड मैंडेटरी स्पीड लिमिट आर शोन अबव ऑल अदर लाइन, यानी दूसरी लाइनों पे राइट साइड पे सब पे मैंडेटरी स्पीड लिमिट जो है वो लिखी हुई है लेकिन हार्ड शोल्डर पे क्रॉस है। तो वो कहता है इसका रेड क्रॉस का मतलब क्या है, तो रेड क्रॉस का मतलब ये है कि हार्ड शोल्डर जो है अब वो सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसी और ब्रेक डाउन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप एज ए रनिंग लाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। विच साइन मीन दैट पेडेस्ट्रियन मे बी वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, कौन सा साइन ये शो कर रहा है कि पेडेस्ट्रियन जो है वो रोड पे जो है वो मे बी वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, यानी रोड के साथ वो वॉक कर सकते हैं या वॉक कर रहे हैं या आगे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका आता है ये, क्योंकि जो ये वाला पहला है ये एक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है और नीचे वो बूढ़े लोग हैं और ये उसके नीचे ये राइट साइड पे ये बच्चों के हैं निशान जो हैं, इसलिए ये वाला जो है ये हो सकता है अलॉन्ग द रोड हो सकते हैं यहाँ के बंदे। इस साइन का क्या मतलब है, व्हाट डज दिस साइन वार्न ऑफ, ये आपको क्या वार्न कर रहा है, क्या आगाह कर रहा है? तो ये हमें वार्न ये कर रहा है भाई ऊपर इलेक्ट्रिकल केबल्स है यानी तबीली की तारे हैं ऊपर, तो ओवर हेड इलेक्ट्रिक फीड केबल, यानी ऊपर जो है वो बिजली की तारे हैं, यानी ये आपको इसलिए कहा जाता है ताकि अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपको पता हो। व्हाट डज दिस मोटरवे साइन मीन, इस मोटरवे साइन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ऑल लेन्स क्लोज अहेड, आगे सारी लाइनें क्लोज हैं। वो कहता है व्हाई शुड यू स्लो डाउन, आप क्यों स्लो डाउन होंगे व्हेन यू सी दिस साइन, जब आप ये साइन देखते हैं तो ये हम इसलिए स्लो डाउन होंगे। आगे वो कहता है बिकॉज चिल्ड्रन मे बी क्रॉसिंग, आगे बच्चे जो हैं वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। आ गया था जी विच लाइट वांट शो टू ए ड्राइवर एट ए पफन क्रॉसिंग, कौन सी लाइट जो है वो शो होती है ड्राइवर के लिए पफन क्रॉसिंग जहां पे होती है वहां पे, तो पफन क्रॉसिंग पे ड्राइवर के लिए जो लाइट शो होती है वो होती है फ्लैशिंग अंबर। आ गया था जी यू आर ड्राइविंग थ्रू रोड वर्क्स, आप गाड़ी चला रहे हैं रोड वर्क्स आगे बन काम हो रहा है। व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस साइन गिव यू, ये इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रहा है साइन? तो ये हमें कह रहा है जी आप 800 मीटर आगे जो है वो एग्जिट कर सकते हैं मोटरवे से, तो यहाँ पे आता है द डिस्टेंस टू द नेक्स्ट एग्जिट, नेक्स्ट एग्जिट जो है वो 800 मीटर आगे है। व्हाट डज दिस साइन मीन, तो इस साइन का मतलब बेसिकली ये है कि हमारा आने वाली ट्रैफिक के ऊपर राइट है लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है जी यू हैव प्रायोरिटी अवर व्हीकल फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, हमारी सामने से आने वाली गाड़ियों के ऊपर प्रायोरिटी है। व्हेन मस्ट दीज टू साइंस बी यूज्ड, ये साइन कब इस्तेमाल होते हैं? तो ये वाले साइन जो नाजरीन है ये शो होते हैं व्हेन यू आर कैरिंग ए लोड, जब आप लोड लेके जा रही हूं दैट ओवर हैंग द फ्रंट और रियर ऑफ द व्हीकल बाय मोर देन 2 मीटर, यानी जो आगे या पीछे की तरफ मोर देन 2 मीटर ज्यादा आगे या पीछे की तरफ ज्यादा हो तो फिर इस तरह के साइन इस्तेमाल होते हैं। आगे आता है जी व्हाट्स द पर्पस ऑफ ग्रीन एंड येलो फ्लोरसेंट स्टंट्स ऑन ए मोटरवे, ग्रीन और येलो फ्लोरसेंट स्टंट जो होते हैं मोटरवे पे इनका यानी क्या मकसद होता है? तो बेसिकली ये वाले जो साइन होते हैं ना ये कंट्रा फ्लो सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, दे मार्क द लेन्स इन ए कंट्रा फ्लो सिस्टम, यानी ये वाले जो
जो होते हैं ना ग्रीन और येलो, वैसे तो अलग अलग होते हैं ना, हर लाइन के साथ अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों जो है ना ये बेसिकली कंट्रा फ्लो सिस्टम में जो है वो इस्तेमाल होती हैं। आगे आता है जी, यू आर ड्राइविंग ए लॉरी 30 फीट लॉन्ग एंड टोइंग ए ट्रेलर 15 फीट लॉन्ग, यानी आप 30 फीट और लॉरी को जो है वो लेके जा रहे हैं, 60 ट्रेलर 15 फीट है। तो वो कहता है व्हाट शुड यू डू व्हेन यू सी दिस साइन, आपको क्या करना चाहिए जब आप ये साइन देखते हैं। तो ये साइन हमें यही कह रहा है भाई कि यहाँ पे इतनी लेंथ वाली चीज जो है वो आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। ये देखे ना, ये 32 मीटर और नीचे पीछे लिखा हुआ 9.9 मीटर, यानी ट्रेलर अगर हो तो ये हमारा जो ट्रेलर है ये ज्यादा हो रहा है इससे, तो इसलिए हमें फिर अल्टरनेट रूट जो है वो देखना पड़ेगा। तो इसका आएगा फाइंड एन अल्टरनेटिव रूट टू योर डेस्टिनेशन, क्योंकि इस रोड पे आप नहीं जा सकते। आगे तरी, यू आर ड्राइविंग इन ए फोग, आप धुंध में गाड़ी चला रहे हैं ऑन ए 3 लाइन मोटरवे, 3 लाइन वाले मोटरवे पे। विच लाइन आर यू इन व्हेन यू कैन सी रेड रिफ्लेक्टिव स्टड्स ऑन योर लेफ्ट, व्हाइट रिफ्लेक्टिव स्टड्स ऑन योर राइट। अगर आप धुंध में जा रहे हैं मोटरवे पे, 3 लाइन वाले मोटरवे पे, और रेड आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं स्टड्स जो होते हैं, और व्हाइट आपको राइट साइड पे, तो इसका मतलब है आप लेफ्ट हैंड लाइन में हैं, क्योंकि रेड वाले मोटरवे की जो सबसे लेफ्ट लाइन है उसके किनारे पे होती है। आगे आता है जी, व्हाट शुड द हार्ड शोल्डर ऑन ए मोटरवे बी यूज फॉर, हार्ड शोल्डर जो मोटरवे पे होता है वो जो है वो इस्तेमाल होता है एमरजेंसी के लिए, एज ए प्लेस टू स्टॉप व्हेन एन एमरजेंसी अराइज, जब कोई खतरा हो एमरजेंसी हो फिर आप वहां रुकते हैं। Why should you slow down when you see this sign? तो इस साइन को देख हम इसलिए स्लो डाउन होते हैं ताकि हम अवॉइड करें थ्रोइंग अप लूजिंग चिप्स, क्योंकि जब आप इस तरह की जगह पे स्लो नहीं गाड़ी करेंगे तो इस तरह कीचड़ जो है वो दूसरों पे फिर लगेगा, छींटे दूसरों पे पड़ेंगी, इसलिए हमें स्लो करना चाहिए। आगे सवाल आता जी, आप ड्राइव कर रहे हैं एक ट्रक को जो कि मोर देन 7.5 टन है ऑन ए सिंगल कैरिज वे रोड इन इंग्लैंड, व्हाट डज दिस साइन मीन। तो इस साइन का मतलब ये है, सिंगल कैरिज वे रोड पे ट्रक के साथ आप मैक्सिमम 50 की स्पीड पर गाड़ी चला सकते हैं, मोटरवे पे आप 60 तक चला सकते हैं। विच ऑफ दिस साइन मीन अन इवन रोड, कौन सा साइन का मतलब ये है कि आगे रोड जो है वो अनइवन है। तो हमेशा याद रखें ये अनइवन रोड का जो साइन होता है ये बाकी साइनों की तरह भी मिलता जुलता है, ये दूसरे भी हैं, तो इसलिए इस तरह का जो साइन होता है ये अनइवन रोड का होता है, यानी रोड आगे ना हमवार नहीं है, यानी सॉरी ना हमवार है हमवार नहीं है। आगे होता है जी, व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है। तो इस तरह के साइन हमेशा ट्राम के लिए होते हैं, तो ये वाला जो है ये आता है यहाँ पे कि ये वाला जो साइन है वो आता है ट्राम के लिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे ट्राम का है, इसलिए यहाँ पे ये कि ट्राम का ऑप्शन आ रहा है, तो ये ट्राम की स्पीड लिमिट का साइन है। आ गया था जी, इस साइन का क्या मतलब है। तो इस साइन का मतलब है, गौर से देखें, बाद जगहों पे पार्किंग आप करते हैं ना रोड के साथ, थोड़ी सी गाड़ी नीचे कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी गाड़ी नीचे धंस सकती है। धंसने का मतलब ये है, जैसे होता है ना बाद कच्ची जगह आती है रोड के साथ और बस या ट्रेलर, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रक के कोर्स की हम क्योंकि थ्योरी कर रहे हैं, तो ट्रक को अगर आप ऐसी जगह खड़ा करेंगे जहाँ पे कमजोर जगह है, तो आपके ट्रक के पहिए वहां उसके अंदर जो है वो जा सकते हैं, फंस सकते हैं, इसलिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पार्किंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाई है, यहाँ पे आप पार्किंग ना करें, बल्कि सॉरी यहाँ पे पार्किंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं है बल्कि सॉफ्ट वर्जेस, बिल्कुल सॉफ्ट वर्जेस। सॉफ्ट वर्जेस का मतलब ये है, सॉफ्ट वर्जेस का मतलब होता है कि जहां पे जमीन जो है वो कमजोर हो, सॉफ्ट यानी कि जहां पे आपका पहिया फंस सकता है, यानी कि ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ सॉफ्ट, इसको ये क्या होता है बेसिकली, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ जी, ये देखें, मतलब जिस तरह बाज दफा होता है ना कि आप गाड़ी कहीं पे बस या ट्रक ऐसी जगह खड़ी करते हैं जहाँ पे कमजोर जगह होती है, तो ये गौर से अगर आप देखें तो यहाँ पे इस तरह आपकी गाड़ी जो है वो अंदर धंस सकती है।
ये देखें, जिस तरह ये बस देखें ना किस तरह अंदर चली गई हुई है, ये साया तो कच्ची जगह थी ना, तो इस तरह इसको फिर वो कहते हैं, मुझे शायद लगा है कि ये पार्किंग यहाँ पे जो है वो मना है, लेकिन पार्किंग आम शायद हो सकता है कार वगैरह कोई शायद खड़ी हो सकती है, लेकिन वजनी चीज जो है वो यहाँ पे नहीं कर सकती, ये सॉफ्ट वर्जिस का निशान है। आगे आता जी, इस साइन का मतलब क्या है? तो इस साइन का मतलब ये है कि आगे वीक ब्रिज है, कमजोर ब्रिज है, और यहाँ पे आप 7 टन से ज्यादा वजन वाली चीज, 17 टन से ज्यादा वजन वाली सॉरी चीज जो है वो आप यहाँ पे नहीं यानी आ सकती, कोई भी ट्रक या जो भी चीज है बस है। तो यहाँ पे वो कहता है जी डू नॉट क्रॉस द ब्रिज इफ योर वेट एक्सीड द लिमिट, अगर आपका वजन गाड़ी ट्रक जो भी चीज आप चला रहे हैं, क्योंकि हम ट्रक ही यहाँ लाइसेंस कर रहे हैं, तो फिर ट्रक की ही बात डेफिनेटली होगी होगी, तो ट्रक का वजन अगर 17 टन से ज्यादा है तो फिर बेहतर है आप कोई किसी और रास्ते को अपना लें, इस ब्रिज पे ना जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है जी वेयर वुड यू फाइंड दीज फ्लैशिंग रेड लाइट्स, इस तरह की रेड लाइट जो होती हैं वो कहाँ पे हो सकती हैं? तो इस तरह की रेड लाइट जो होती हैं वो हमेशा लेवल क्रॉसिंग पे होती हैं। व्हाट मस्ट यू डू व्हेन यू आर अप्रोचिंग ए पेलिकन क्रॉसिंग इन इट्स फ्लैशिंग अम्बर फेस, आपको क्या करना चाहिए जब आप पेलिकन क्रॉसिंग पे पहुंचते हैं जहाँ पे फ्लैशिंग अम्बर लाइट जो है वो चल रही है या ऑन है, तो आपने क्या करना है? गिव वे टू द पेडेस्ट्रियन ऑन द क्रॉसिंग, जो ऑलरेडी क्रॉसिंग वहां कर रहे हैं उनको आपने रास्ता देना है। विच ऑफ दिस साइन शोज एन अपहिल ग्रेडियंट्स, अपहिल ग्रेडियंट्स कौन सा साइन है जहां पे रोड ऊपर की तरफ जा रहा है? तो अपहिल का निशान इस तरह का होता है और डाउनहिल ये वाला है, इसलिए अपहिल ये है। आज का जो आखिरी सवाल है वो है जी व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है जो आपके ऊपर नो पार्किंग की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई थी ना, तो वो खत्म हो गई है, एंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन पार्किंग एरिया, अब आप यहाँ पे आगे यानी इससे पार्किंग कर सकते हैं। तो जी मैंने आपके साथ 40 सवाल जो है वो शेयर किए हैं आज, ट्रक ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की फर्स्ट टॉपिक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के बाकी जो सवाल हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आएंगे सर में वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।